एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है कि एक गांव की लड़की है और जो दूसरे गांव के जो यू नो लड़के हैं वो उसके वस्त्र उतार देते हैं, और आइडिया ये है कि वो इस गांव की महिलाओं की इंसल्ट करना चाहते हैं, और ये वो एक अपना एक तरीका ढूंढते हैं। और जब वो पता चलता है अम्मा जी को और सारे गांव को, तो सारे जो लोग हैं गांव वाले वो अपना मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, जो अक्सर ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगर कहीं कुछ लड़की के साथ बदतमीजी हो रही है, कहीं कुछ हाथापाई हो रही है, तो जो ऑनलुकर्स होते हैं वो दूर खड़े रहते हैं, बजाय कि उसमें शामिल होने के, चीज़ों को रोकने के लिए, लड़की की मदद करने के लिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि एक लड़की आती है और निर्वस्त्र है वो, और सब के सब लोग अपने चुपचाप खड़े हो जाते हैं। हाँ, वो अम्मा जी आगे बढ़कर उसे संभालती है, उसे उसका हौसला बढ़ाती है, उसके दर्द को वो समझ रही है, और वो नहीं चाहती है कि वो लड़की शर्मिंदा हो, वो ये चाहती है कि जो जिन लोगों ने वो ऐसी नीच हरकत की है उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, या गांव वालों को शर्मिंदगी होनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की को मदद नहीं की। नहीं नहीं, वो उसका रिएक्शन ऐसे है कि जो एक बलवंत चौधरी है, उसको एक जो महिला आई है गांव में जिसके बारे में उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो उससे उसको बड़ी परेशानी है कि ये कुछ आकर आवाज़ उठाने लग गई है और महिलाओं को ताकत बन रही है, या अभी खुद बड़ी ताकतवर है, तो जो भी कोई आवाज़ उठाता है या उसको पिटाई करके आ गई है वो रंतेज की, है ना, तो जो पिटाई कर दी है घर में आकर उसका उसके यहाँ बॉम्ब वगैरह फोड़ दिया है, तो उसको ये लगता है कि उसकी गद्दी हिल रही है, तो उस गद्दी को संभालने के चक्कर में वो कुछ ऐसी भद्दी हरकत कर बैठता है।